तो भाई लोग क्या हाल चाल है, होप सब बढ़िया। तो गाइस आज एक न्यू गेम प्ले के साथ वापस और स्टार्ट होती है स्कॉट हाउस से। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ और यहाँ पे मेरे साथ साथ दो दो स्कॉट आ रखी थी। फिलहाल स्कारल मिलते में यहाँ पे थोड़ा बहुत स्प्रे देने की ट्राई करता हूँ कि भाई दो एक को अगर नॉक किया जाए तो भाई रश करने में काफ़ी आसानी होगी। फिलहाल देखो अच्छी खासी लूट तो मेरे को मिल चुका था, दो दो स्कारल हमको मिल चुका था। फिर मैंने सोचा कि भाई ऊपर देखते अगर कुछ यहाँ पे मुझे बेस्ट और हेलमेट मिल जाता है तो मैं रश कर दूंगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मन कर रहा था मेरे को रश करने में। बट यहाँ पे ऊपर आते मेरे को M4 मिलता है लेकिन बेस्ट और हेलमेट अभी भी नहीं मिला था। फिर मैंने सोचा कि ये वाली घर पर देखते, जब मैं यहाँ पर तो मेरे को एक फोटोस्टेप देखता, ये वाली घर पर एक बंदा आ चुका था। तो बंदे के पास एस्टॉल के था, अगर वो एस्टॉल के से कैम करता तो मेरे को बहुत ही इजीली मार सकता, लेकिन उन्होंने यहाँ पे मॉली करने की सोची। सो दैट्स व्हाई इसकी डब्बा बन चुका था। देखो लूट तो तगड़ा मिल चुका था बट बेस्ट और हेलमेट नहीं था। फिर मैंने सोचा कि भाई मैं तो फेस टू फेस रिक्स नहीं लेना चाहता हूँ, फिलहाल यहाँ से मैं एंगल लेके मारने की कोशिश करूँगा। फिलहाल तभी मेरे को ये वाला स्पॉट होता है और एक एक करके भाई तीनों बाहर आ जाता है। तो फाइनली इन तीनों को मैंने यहाँ पे नॉक कर दिया था, लेकिन इसकी जो चौथा बंदा था वो स्कॉट हाउस के उस साइड पे था, तो वो यहाँ पे आने में थोड़ा सा लेट कर रहा था। फिलहाल इसकी डब्बा मैंने बना दिया, तो तभी मेरे को सामने से भी कुछ गन की साउंड आ रहा था। बट स्कोप जो है इतना बड़ा नहीं था तो दैट्स व्हाई नहीं होता है। तो इन दोनों की डब्बे यहाँ पे बना दिया, तो फिर मैंने सोचा कि भाई गनमैन रिलोड कर लेते। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा वेट करने की कोशिश कर रहा था कि इसकी जो चौथा बंदा वो भी आए, कभी मैं रिक्स नहीं लेना चाहता। फिलहाल इसकी और एक बंदे ऑलरेडी नॉक था लेकिन उसकी डब्बा अभी भी नहीं बना, तो मेरे को सामने एक बंदा स्पॉट होता है जिसको मैं फिर से नॉक कर देता हूँ। और ये होप किसी दूसरे टीम की थी और फाइनली इसका भी डब्बा मैं बना देता हूँ। अब देखो लगभग ऑलमोस्ट खाली हो चुका था यहाँ पे, तो फिर मैंने सोचा कि भाई चलो रिक्स लिया जाए, अभी थोड़ी बहुत लूट वूट करके आगे की साइड देखते। अब इस बंदे को मैं थोड़ा बहुत यहाँ पर लूट बूट कर लेता हूँ। तब मैं जब सामने की तरफ जा ही रहा था तभी मेरे को स्कॉट हाउस के अंदर से मेरे को एक फुटस्टेप की आ रहा था, मतलब फुटस्टेप की देख रहा था मिनी मैप पे। तो ये तो एक नॉक बंदा था जिसकी मैंने ऑलरेडी की थी, ऊपर था बंदा। अब यहाँ पे आके देखता हूँ कि भाई यहाँ पे तो और टीम नहीं था, मतलब रियल बंदे नहीं थे। यहाँ पे दो चार हमें बॉट मिलता है जिसको हमको ठोकना पड़ता है भैया KD मेंटेन करने के लिए। वैसे भी तो हमारी 4K KD है भाई, ज़्यादा की KD नहीं है, क्योंकि मैं स्क्वाड के साथ कभी नहीं खेलता भाई, सोलो वर्सेस स्क्वाड ही खेलता हूँ ज़्यादातर जब भी खेलता हूँ। फिलहाल देखो स्क्वाड हाउस खाली करके हम आ जाते हैं थर्ड हिल पे, क्योंकि भाई पायलट क्या बोलते हैं उसको भाई, फ्लैट की जो रूट है वो इसी साइड से बन रहा था। तो यहाँ पे कि मेरे को कुछ लाशें वैसे दिखती है, तो सामने की साइड से मुझे दूर मिनी मैप पे मैं देखा कुछ फायर वायर हो रहा था। फिर मैंने सोचा कि भाई चलो देखते आगे की साइड, और भाई एक के बाद एक मेरे को यहाँ पे लाशें दिखने को मिलता है। एंड जब मैं यहाँ पे तो मेरे को कुछ गन की साउंड दिखता है सामने से हो रहा था, तो आप अगर मिनी मैप नोटिस करोगे तो आपको मिल जाएंगे। जब घर के अंदर आ जाता तो मैं कंफर्म था कि भाई यहाँ पे आप मिनी मैप नोटिस करो, बंदे तो कुछ थर्डल के इस पार भी हैं और कुछ टीम जो है उस पार भी है। नदी के इस पार एक टीम है, नदी के उस पार एक टीम है जो आपस में फायर कर रहा था, और तुम्हारी भाई बीस के घुस के इन लोगों की बैंड बजाने वाला है। फिर यहाँ पर मेरे को दो तीन बंदे स्पॉट होता है, तो एक को तो मैंने नॉक कर दे दूँ, लेकिन ये लोग जो है अभी भी मेरे को स्पॉट नहीं कर पाया था। सो दैट्स पर ये बंदा इस साइड से घूम के आ रहा था, तो इसको भी मैंने यहाँ पे नॉक कर दिया। तो अब फिनिश करने की ट्राई तो करता हूँ, लेकिन वो बंदा कवर पर जा चुका था। एंड तभी इसकी और एक टीममेट आता है जो ऑलरेडी नॉक था। और ये बंदा एक बॉट को मारने के लिए यहाँ पे आ चुका था, और इसका भी डब्बा यहाँ पे बन जाता है। सो फाइनली इस टीम की बैंड यहाँ पे बजा देता हूँ मैं। फिलहाल यहाँ पे थोड़ी बहुत लूट बूट कर लेते हैं। थर्ड हिल के उस पार भी, मतलब नदी के उस पार भी एक टीम है, जो एक बंदा मेरे को यहाँ पे स्पॉट होता है। अब इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ पे स्प्रे देते, वो बंदा पत्थर के पीछे छुप जाता है। फिर मैंने सोचा कि भाई थोड़ा बहुत वेट करते हैं यहाँ पे। और धीरे धीरे मेरी भी M4 की एमो ख़त्म हो रहा था, तो मेरे को भी पुश करना था किसी भी हाल पे, क्योंकि सामने ये जो बंदे को मैंने अभी भी मारा, इन लोगों को तो हमको लूट में जाना है जाना है। फिर मैं सोचा कि भाई अगर एक दो को नॉक कर दूंगा तो थोड़ा बहुत बिजी हो जाएगा वो लोग। सो दैट्स व्हाई मैं यहाँ पर ट्राई कर रहा था, बट मेरी एमो ख़त्म हो चुकी थी। तो अब मैं जो जाना था,
अब यहाँ पे क्या होता है, जब मैं आ रहा था लूट करने में, और यहाँ पे लूट करने में थोड़ी बहुत टाइम तो लग जाता है, मतलब एक दो ग्रेट मैंने ऐसे ओपन करके देख रहा था, एंड यहाँ पर लूट करके आता हूँ तभी मेरे को दिखता है दो बंदा जो है आ चुका था नदी पार करके। तो मैंने सोचा कि भाई दो बंदे हैं सामने सामने नहीं मार सकता होप, सो मैंने एक यहाँ पे नेट करने की सोचा, और ये जो नेट है एक बंदे को नॉक कर देता, फिर मैंने एक फ्लैश कर देता हूँ ताकि मेरी जो फोटो स्टेप है वो उन लोगों को ना मिले और कति बेरहमी से मारेंगे। फिलहाल एक तो नॉक था और एक ये बंदा था, तो इन दोनों की डब्बा बना देते भाई। तो फाइनली इन दोनों की डब्बा यहाँ पे बना देती हूँ, तभी मेरे को इसकी तीसरा टीममेट की फोटो स्टेप आ रहा था, अब वो बंदा भी क्लोज आ चुका था। फिर मैं यहाँ पे वेट कर रहा था, वो भी हाथ में था वेस्ट वॉल के, और भाई ये कैसे बच सकता है। तो फाइनली इसके भी डब्बा बना देती हूँ और इन दोनों टीम की यहाँ पे नाम नाम सत्य हो जाता है। फिलहाल इसी के साथ हमको आगे भी जाना था, तो मैं भागते भागते आ जाता हूँ ये वाली जगह पे। अब जोन कहाँ बन रहा था यहाँ पे तुम देखो, मैं गेस नहीं कर पाया था बैंक अपने दिमाग में क्या होता आई डोंट नो। फिलहाल यहाँ पे मेरे को एक बगी दिखता है जिसको मैं मारने की ट्राई करता हूँ, लेकिन बगी में बंदा नहीं था, बगी के पीछे बंदा था। अब यहाँ पे मेरे को दो बंदा स्पॉट होता है जिसको मैं थोड़ा सा मारने की ट्राई करता हूँ, अब बगी जो है वहाँ पे रुक देते। मैंने सोचा कि मैं नदी पार करके आएंगे तो बजाएंगे, बट वो लोग वहाँ पे कॉबर पे जा चुका था। फिर मैं थोड़ा सा स्प्रे देने की ट्राई तो कर रहा था लेकिन कते ही नहीं मार पाऊंगा, देखो वो लोग वहाँ पे कॉबर पे था, घर के अंदर था। तो आप अगर मिनी मैप नोटिस करोगी तो जोन आगे की साइड बन रहा था। फिर मैंने सोचा कि भाई रिक्स नहीं लेते, पहले तो जोन पे चलते उसके बाद देखेंगे, क्योंकि वो लोगों को भी आना था। तो मैं भागते भागते आ जाता हूँ फाइनली जोन के अंदर, एंड जब मैं यहाँ पे होती तो मेरे को सामने और एक गाड़ी दिखता है। अब यहाँ पे मैंने सोचा था कि भाई ये जो गाड़ी जा रहा है ये गाड़ी किसी और टीम की होगी, मतलब दूसरी टीम की होगी, और वहाँ पे जाके वो लोग आपस में फायर करेगा और भाई बीच पे यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा तो मैं घुस जाऊँगा। लेकिन मैं जो वो उसकी टीममेट निकालता है जो भाई आपस पे जाके वहाँ पे मिल मोहब्बत हो जाते हैं उन लोगों के बीच पे, और मैं यहाँ पे अकेला बचता हूँ। टोटल यहाँ पे 6 बंदे बचे हैं जो एक स्क्वाड है और दो बंदे हैं जो अलग अलग टीम की, एक तो मैं हूँ और एक किसी और टीम की है। फिलहाल यहाँ पे क्या होता है देखो, मैं तो बंदे को मारने की ट्राई तो कर रहा था और इसी टाइम जोन भी स्टार्ट हो रहा था, और वो लोगों को पता था कि भाई गाड़ी से आएंगे तो मैं गाड़ी फोड़ सकता हूँ, सो दैट्स व्हाई एक एक करके नदी पार करने लगता है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत डैमेज देने की कोशिश कर रहा था और मेरी यहाँ पे सिर्फ एमो बेस्ट हो रहा था। अब यहाँ से भी जोन आगे की साइड बन रहा था, मतलब थोड़ी देर बाद बनेगा। तो फिर मैंने सोचा कि भाई वो लोग तो पार होंगे तो मैं सबसे पहले जाता हूँ आगे की साइड और आगे से मैं बजाएंगे, तो वो मेरे लिए काफ़ी आसानी हो सकती थी। सो दैट्स पे मैं भागते लगता हूँ तभी मेरे को सामने एक बंदा स्पॉट होता है लेटते हुए। तो सबसे पहले इसको मारने की कोशिश करता हूँ, और फाइनली ये जैसे एक लास्ट बंदा था तो इसकी डब्बा यहाँ पे बन जाता है। अब देखो यहाँ पे मेरी M4 की एमो ख़त्म हो जाता है, उस बंदे से मैं वहाँ से इंस्टॉल के उठा, मतलब फेक के ग्रोजा उठा के लेके आया था, क्योंकि भाई आज मैंने सोचा था भाई ग्रोजा से मरेंगे, बट तुम एंड पे देखना क्या होता है मेरे साथ। फिर मैंने सोचा कि भाई मेरे को कुछ M4 की एमो चाहिए था, सो दैट्स व्हाई इसको लूटना था, तो मैं यहाँ पे दो तीन स्मोक कर देता हूँ क्योंकि पीछे से एक टीम आ रहा था। अब स्मोक की थोड़ा सा कवर लेके मैं लूटने की सोचा था, बट इसके पास M4 की कोई एमो नहीं था, था UMP। तो मैंने सोचा चलो UMP उठा लेते क्योंकि UMP से भी अच्छी खासी मार सकते हो तुम्हें। अब यहाँ पे मैं जब लूट रहा था तो मेरे को एक बंदा स्पॉट होता है हल्का सा जिसको मैं थोड़ा सा मारने की ट्राई करता हूँ, हाँ, लेकिन तभी मेरे को भाई यहाँ पे एक M24 शॉट कनेक्ट हो जाता है जिससे कि मैं काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता हूँ, और ये इतना डैमेज खाने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत पैनिक हो चुका था। फिर मैंने सोचा कि भाई पीछे की साइड कैसे जाऊँगा क्योंकि मैं आज तो ये वाली जगह पर लूट मतलब लेट जाता हूँ। अब मेरे पास हेल्थ नहीं था तो फिर मैंने रिक्स नहीं लिया, तो यहाँ पे एक बंदा मेरे को स्पॉट होता है, वो चारों के चार थे भाई। और आज क्या ना मेरे फ़ोन पे थोड़ी सी लैग भी कर रहा था, रुक रुक कर सा जा रहा था, फ़ोन काफ़ी हीट हो गया था। सो दैट्स पे यहाँ पे जब मैं आता हूँ तो भाई देखा कि चार के चार बंदे, छुपने की कोई जगह नहीं, मेरी मौत पक्की है, तो मर जाते हैं 15 किल के साथ भाई, कुछ ऐसा हो जाता है। सो होप यही था गेम प्ले तुम लोगों को बढ़िया लगा, तो प्लीज़ लाइक कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।